13 फरवरी 2021 मौसम अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की, तो क्या बड़ा अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, तो वहां जिससे अपडेट रहे आप देश के सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। सबसे पहले जान लेते हैं किस प्रकार से बना हुआ है देश में मौसमी सिस्टम। दोस्तों हाल ही में उत्तर भारत से आगे बढ़े पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इस समय उत्तर बिहार और इससे सटे भागों के ऊपर देखने को मिल रहा है। केरल के आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा होते हुए विदर्भ तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय हिंद महासागर में भूमध्य रेखा और इससे सटे दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पास बना हुआ है। एक अन्य वाली जो अन्य चक्रवाती सिस्टम है वो पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। बात करें पिछले 24 घंटों के मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम शुष्क बना रहा, क्योंकि इस दौरान देश भर में कहीं भी कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम फिलहाल नहीं है। पंजाब हरियाणा दिल्ली पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला है। साथ ही पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर पंजाब राजस्थान गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तक अधिकांश शहरों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना है। दूसरी ओर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक मराठवाड़ा विदर्भ तेलंगाना रायलसीमा और उड़ीसा के कुछ शहरों में सुबह का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। बात करें आने वाले 24 घंटों के मौसम की, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान देश के किसी भी शहर में बारिश होने या गर्जना के बौछारे गिरने की आशंका नहीं है। कोहरा अभी भी कुछ भागों में देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि 13 फरवरी की सुबह के समय पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश और तराई और पूर्वी भागों में पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा रह सकता है। वहीं पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और बिहारों में न्यूनतम तापमान हल्की कमी आ सकती है। लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का 13 फरवरी 2021 को लेकर। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सके एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट।